तो ये सवाल प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था सीसैक पेपर में। क्यूब्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब व्हाट इज द क्वेश्चन से, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, छोटे क्यूब्स हैं जिसको अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। फर्दर, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो हर तरफ से दूसरे क्यूब से सराउंडेड हैं। ऑलराइट, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखो, इस सवाल को सिंपल लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। लेट मी शो यू हाउ। अब आपके सामने एक यूनिट क्यूब है जिसकी हर साइड एक यूनिट के बराबर है। अब ऐसे 125 क्यूब्स को मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। ऑलराइट, तो कितने का क्यूब बनेगा, क्या डायमेंशन होगा, 5x5, हर एक साइड 5 यूनिट के बराबर होगी। क्लियर है? अब सवाल में पूछा गया है कि इस बड़े क्यूब में ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो हर साइड से क्यूब से घिरे हुए हैं। अब देखो, टोटल कितने क्यूब्स हो गए हमारे पास, 125 यूनिट क्यूब्स हैं, तो 125 क्यूब्स हो गए। उसमें से हम वो सारे क्यूब्स निकाल देंगे जिनकी एक साइड या फिर एक से ज्यादा साइड एक्सपोज्ड है, हमारा आंसर निकल आएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यूब्स लेते हैं जो वर्टिसेस पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं। तो वो कितने क्यूब्स हैं टोटल, 8, क्यों, क्योंकि 8 वर्टिक्स होते हैं क्यूब में, तो 8 क्यूब्स ऐसे आपके निकल आएंगे जो 3 साइड से एक्सपोज्ड हैं, तो इनको साइड में रख लो। नेक्स्ट, जो एजेस पे क्यूब्स हैं, अब टोटल एजेस कितनी होती हैं, 12। ऑलराइट, अब ये जो एजेस पे क्यूब्स हैं वो 2 साइड से एक्सपोज्ड हैं। अब हर एज पर 3 क्यूब्स हैं ऐसे जो एक्सपोज्ड हैं, तो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 3x12। व्हाई 12, अभी बताया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन एनी क्यूब इज 12। तो ये हो गया आपका 12x3, दैट इज 36। अब इसको अलग रख लो। नाउ फाइनली फेस वाले क्यूब्स पर आ जाते हैं। फेस क्यूब्स आर एक्सपोज्ड फ्रॉम वन साइड, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, हर क्यूब में 6 होते हैं। और हर एक फेस पर कितने क्यूब्स ऐसे हैं जो एक्सपोज हैं एक साइड से, 9, ये आप फिगर में देख सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 9x6, दैट इज 54। तो टोटल ऐसे कितने क्यूब्स हो गए जो एक साइड या फिर एक से ज्यादा साइड से एक्सपोज्ड हैं, 8+36+54, दैट इज 98। 8 क्यूब्स वो जो कॉर्नर पे हैं, 36 क्यूब्स वो जो एजेस पे हैं, और 54 क्यूब्स वो जो फेसेस पे हैं। तो टोटल हो गया 98, ये एक्सपोज्ड हैं या फिर एक साइड से या एक से ज्यादा साइड से। अब आपके पास टोटल थे 125 क्यूब्स, उसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 27। 125 माइनस 98, दैट इज 27। दिस इज योर आंसर।